सबसे पहले तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आज हम मनमाड इंदौर रेलवे लाइन पर चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि रेलवे इसके बारे में चर्चा नहीं कर रही तो हम चर्चा करके क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट का कोई भविष्य है। माफ़ करना अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो, पर सच यही है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर ज़मीन पर कब काम शुरू होगा इसका सटीक जवाब आपके पास क्या, मेरे पास क्या, रेलवे के पास भी मौजूद नहीं है। अब तो मुझे उन लोगों की बात सही साबित होते हुए दिख रही है जिनका मानना यह था कि मनमाड इंदौर रेलवे प्रोजेक्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। आज आप मेरे ही वीडियो को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब अगला इलेक्शन आएगा तब आप देखना कि कैसे अचानक से ये रेलवे प्रोजेक्ट एकदम चर्चा में आ जाएगा। पर अगर अभी की बात करें तो मुझे लगता है कि मनमाड इंदौर रेलवे प्रोजेक्ट की कुल लागत जो लगभग 10,000 करोड़ से कम थी वो अब 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई होगी। JNPT ने तो पहले ही फिलहाल के लिए निवेश ना करने का फैसला ले लिया है। किसी दूसरी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा या नहीं इसके बारे में भी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर खुशी की बात मध्य प्रदेश के लोगों के लिए यह है कि अन्य रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया जा चुका है, जिस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। पर क्या अतिरिक्त बजट मिल जाने से ही काम में तेजी आएगी, या फिर जल्द से जल्द फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज करके डेडलाइंस फिक्स करके काम करना होगा। और हाल फिलहाल में ये बात भी सामने आई है कि कई लोग ये बात का समर्थन कर रहे हैं कि इंदौर को वेस्टर्न रेलवे से निकालकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे में विलय कर देना चाहिए, जिससे कि इंदौर से जुड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा। तो इंट्रो से जाने से पहले मैं आप सभी से यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं कि इंदौर को वेस्ट सेंट्रल रेलवे के साथ विलय कर देना चाहिए या नहीं, तो कमेंट करके बताइए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वास्कोडगामा। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हाल ही में इंदौर के सांसद ने ट्वीट करके जानकारी दी कि इंदौर से जुड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। इसी के साथ वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को भी धन्यवाद बोलते हैं। राशि की बात की जाए तो इंदौर देवास उज्जैन लाइन के लिए 178 करोड़ रुपये दिए गए, 178 करोड़ रुपये दिए गए। इंदौर दाहोद लाइन के लिए 70 करोड़ दिए गए और खंडवा मऊ गेज कन्वर्जन के लिए 85 करोड़ रुपए दिए गए, 85 करोड़ रुपए दिए गए। और इसी के साथ शंकर लालवानी जी का कहना है कि बजट में मालवा की रेल परियोजनाओं के लिए कम राशि रखी गई थी, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से मिलकर राशि बढ़ाने की मांग की थी, अब सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त फंड आ गए हैं। रेल अधिकारियों से कहा है कि अभी तेजी से काम शुरू करें, मऊ खंडवा रेलवे लाइन का अलाइनमेंट भी जल्द फाइनल करवाएंगे ताकि जमीन अधिग्रहण शुरू हो सके। दाहोद लाइन के सुरंग को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। तो कहा जा सकता है कि सांसद शंकर लालवानी जी के प्रयासों के कारण इंदौर से जुड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा फंड्स अलॉट किए गए, पर मराठवाड़ा के अनेक प्रतिनिधियों के कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद मराठवाड़ा के रेलवे प्रोजेक्ट्स को बजट के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं मिला। पर अच्छी बात यह है कि हाल ही में अहमदनगर बीड परली रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, पर फिर भी मराठवाड़ा के लिए और ज्यादा करने की जरूरत है ताकि वहां पर विकास को गति मिले। और जहां तक बात रही इंदौर से जुड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए एक्स्ट्रा फंड्स की, तो बहुत लोगों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं ये राशि लैप्स ना हो जाए या कहीं समय पर काम शुरू नहीं किया गया तो आगे चलकर खर्च और बढ़ सकता है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। जैसा कि शुरुआत में मैंने आप सबको बताया कि मध्य प्रदेश की रेल लाइन के लिए एक्स्ट्रा फंड्स दिए गए हैं, यानी इंदौर देवास उज्जैन रेलवे लाइन के लिए 178 करोड़ रुपये दिए गए। फरवरी में 100 रुपये शगुन के तौर पर दिए गए थे। इंदौर दाहोद रेलवे लाइन के लिए 70 करोड़ दिए गए, फरवरी में 20 करोड़ मिले थे। मऊ सनावत गेज कन्वर्जन के लिए 85 करोड़ रुपये दिए गए, फरवरी में 250 करोड़ मिले थे, यानी टोटल 345 करोड़ रुपये अब गेज कन्वर्जन के लिए दिए गए। और इंदौर मनमाड रेलवे लाइन के लिए, जी हाँ, इंदौर मनमाड रेलवे लाइन के लिए फरवरी के महीने में 100 रुपये, जी हाँ 100 रुपये दिए गए थे शगुन के तौर पर। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मऊ सनावत गेज कन्वर्जन के लिए 345 करोड़ रुपये तो दिए गए, पर अभी तक घाट सेक्शन में अलाइनमेंट को फाइनल नहीं किया गया।
कहा यह भी जा रहा है कि रेलवे बोर्ड में अधिकारियों के सामने अलाइनमेंट की फाइल पड़ी हुई है पर अभी तक साइन नहीं किया गया। पता नहीं कब तक अलाइनमेंट को फाइनल किया जाएगा, कब भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। अच्छी बात यह है कि फंड्स अलॉट किए गए हैं पर डेडलाइंस फिक्स करना होगा। हमें इतने तारीख को गेज का काम पूरा करना है, हर रोज कितना काम पूरा करना है उसके लिए भी डेडलाइन फिक्स करना होगा। डिसिप्लिन के साथ, गति के साथ काम पूरा करना होगा। ये कछुए की चाल को पीछे छोड़ना होगा। और इसी के साथ भोपाल रामगंज मंडी रेलवे लाइन के लिए मध्य प्रदेश में जमीन अधिग्रहण काम नहीं हुआ है पर ऑलरेडी 570 करोड़ रुपए अलॉट किए जा चुके हैं। दाहोद इंदौर रेलवे लाइन भी फिलहाल होल्ड पर है पर माना जा रहा है कि अतिरिक्त बजट के बाद अब काम फिर से शुरू किया जा सकता है। पहले कहा जा रहा था कि इस लाइन के काम को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। रेलवे बोर्ड का कहना था कि कोरोना की वजह से काम को होल्ड पर डाल दिया गया था पर अब हालात सामान्य हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि काम को जल्द से जल्द वापस शुरू किया जाए। और हाल ही में ये बात भी सामने आई है कि उज्जैन देवास इंदौर डबलिंग को विजन 2024 में इंक्लूड करने की मांग की जा रही है। विजन 2024 में उन प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है जिन्हें 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वेस्टर्न रेलवे के 2 सुपर क्रिटिकल और 4 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है पर कहा जा रहा है कि इंदौर देवास उज्जैन डबलिंग प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल किया जाए। इंदौर उज्जैन हाईली यूटिलाइज्ड सेक्शन है। ये सेक्शन भोपाल उज्जैन नगारा और खंडवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर इंदौर रतलाम के बीच लिंक्ड है। 32 पैसेंजर ट्रेन और 11 जोड़ी गुड्स ट्रेन इस सेक्शन में ओरिजिनेट या टर्मिनेट होती है हर रोज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लाइन कैपेसिटी ऑलरेडी 148% है जिसके कारण से ही डबलिंग को सेंक्शन किया गया था। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर के ओमकारेश्वर मंदिर के लिए और ट्रेन चलाने की मांग भी की जा रही है, एडिशनल पैसेंजर सर्विस की मांग की जा रही है। और इंदौर मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब है, इन सब कारणों की वजह से इंदौर उज्जैन सेक्शन के डबलिंग को प्रायोरिटी देने की मांग की जा रही है और इसीलिए इसी प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल या क्रिटिकल वर्क के तौर पर आइडेंटिफाई करके इसे विजन 2024 में इंक्लूड करने की मांग की जा रही है।